हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड देख रहे थे हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, और उसमें से हम लोग वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल के जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया था हमने। वही पॉइंट्स को एक बार समराइज करके अब डीएनए के लिए फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो क्या थे पॉइंट्स? सबसे पहला कि डीएनए जिस न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ऑब्वियसली वह 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, वे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होकर के राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, और वे दोनों जो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर हैं वे एक दूसरे के पैरेलल नहीं बल्कि एंटी पैरेलल होते हैं, और एक कॉमन एक्सिस के अलोंग इंटरविंड होते हैं, मुड़े रहते हैं। उस आधार पे बनाएंगे इसको हम लोग, ऐसा कुछ देखे थे। और ये जो दो हेलिक्स बन रहे थे राइट हैंडेड, उसको हम लोग स्ट्रैंड्स बोलते थे, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखे थे कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, और उसमें से प्रत्येक टर्न में जो एक टर्न होता है न्यूक्लियोटाइड का हेलिक्स में, उसमें टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और उसका जो डिस्टेंस था लेंथ वह 3.4 नैनोमीटर, और जो डायमीटर था दोनों हेलिक्स के बीच का वह 2.0 नैनोमीटर। इतना देखे थे। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट था कि उसमें जो पोलर पार्ट है सुगर और फॉस्फेट वह हेलिक्स के आउटसाइड होता था, और जो रिलेटिवली लेस पोलर पार्ट है मतलब बेस वाला पार्ट वह हेलिक्स के अंदर होता था। ये जितने भी बेसेस थे, चाहे मतलब वह प्यूराइन बेस हो या पिरिमिडीन बेस हो, तो एक प्यूराइन बेस हमेशा एक पिरिमिडीन बेस से जो है जाकर के ज्वाइन कर रहा था, मतलब उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है बन रहे थे, और वे बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते थे, जिसमें प्यूराइन का एडेनिन पिरिमिडीन का थाइमिन के दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता था। उसी प्रकार से प्यूराइन बेस में गुआनिन पिरिमिडीन के साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है जुड़ रहा था। तो यही सब के आधार पे यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं डीएनए के लिए, एक फाइनल टच अब दें हम लोग। उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग देखे थे कि डीएनए तीन प्रकार का, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते थे प्रत्येक टर्न में, ए डीएनए में 11, जेड डीएनए में 12। मोस्ट स्टेबल बी डीएनए है, और वही मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग जो है कंसिडर करते हैं। फिर देखे थे कि डीएनए में जो डबल हेलिक्स बनता है उसका डीनेचुरेशन हो सकता है यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करोगे या पीएच वगैरह कोई करोगे तब। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग अब। यह एक हेलिक्स हुआ, ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाएगा, उसी प्रकार से इधर अलग हेलिक्स बनेगा, ऐसा। इस प्रकार से ये दोनों कहलाएंगे स्ट्रैंड। दिस इज स्ट्रैंड, दिस इज ऑल्सो स्ट्रैंड। इसमें से एंटी पैरेलल है, एक 5' इंड से शुरू होता है और दूसरा 3' इंड से, या 5' और 3' जो है शुगर के पोजीशन को बतला रहा है। तो ये दो स्ट्रैंड हुए, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए। इसके बाद जो इसमें बताया गया था कि यह जो ग्रुप्स बनता है, ये जो नाली है जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, इसमें दो प्रकार के ग्रुप्स बन रहे थे, एक मेजर ग्रुप बनता था और दूसरा माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप बनता था ऐसा।
और ये मेजर माइनर एक दूसरे के जो है क्या होते थे, पैरेलल होते थे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। मतलब कि यदि यह जो है यहाँ से यहाँ, यदि इसको आप माइनर ग्रुप कंसीडर करते हो, माइनर ग्रुप, तो इसी के पैरेलल जो अब यहाँ से होगा दिस वन दिस, तो यह कहलाएगा फिर से माइनर। उसी प्रकार से यदि आप इसको मेजर कंसीडर कर रहे हो कि यह मेजर ग्रुप है जिसका विड्थ ज़्यादा है, मेजर ग्रुप, तो इसके पैरेलल फिर यहाँ से ऐसा बनेगा ना, ये जो आगे जा रहा है इसके पैरेलल, तो ये भी कहलाएगा मेजर ग्रुप। ऐसा इसमें से विड्थ भी हम लोग देखे थे कि जो मेजर ग्रुप था वह 1.2 नैनोमीटर विड्थ का था और माइनर था 0.6 का। कि जो मेजर ग्रुप का विड्थ था दिस वन, ये हो गया 1.2 नैनोमीटर, अरे जो माइनर ग्रुप होता था इसका होता था 0.6 नैनोमीटर। तो माइनर माइनर एक दूसरे के पैरेलल होते थे और मेजर मेजर एक दूसरे के जो है पैरेलल होते थे। ये पूरा, तो यहाँ से ये पूरा मतलब टर्म जो है ऐसे पैरेलल हो जाएगा सब। उसके बाद यह जो था यहाँ से यहाँ, यह था 2 नैनोमीटर और एक कंप्लीट टर्न का जो लंबाई था मतलब यहाँ से यहाँ, ये था 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद इसी में अरेंजमेंट कुछ ऐसा था कि यह शुगर है फॉस्फेट, फिर शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसे ही तो इधर से भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, ऐसा यही शुगर से यहाँ बेस होता था। इधर यदि एडेनिन है तो इधर थाइमाइन होगा, इधर यदि गुआनिन है तो इधर साइटोसिन होगा, फिर यदि गुआनिन है तो साइटोसिन होगा। ऐसे एडेनिन और थाइमिन के बीच ऐसे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ऐसा तीन, इस प्रकार से ऐसा। तो इसमें से देख रहे हो या जो बेस है वह अंदर है और ये सब जो फॉस्फेट और शुगर वाला पार्ट है वो बाहर की ओर है, आउटसाइड। और ये जो बेस देख रहे हो चाहे एडेनिन हो, गुआनिन हो, थाइमिन हो या साइटोसिन हो, ये सब इनसाइड है। ऐसा तो यही स्ट्रक्चर था डीएनए का। इसी स्ट्रक्चर के बारे में जो है वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल जो है हम लोग पढ़े पूरा डिटेल में, नोट्स में भी देखोगे तो इसका फिगर है और इस फिगर से साफ जो है पता चलेगा ध्यान से यदि देखोगे तो, कि कैसे दो हेलिक्स बन रहे हैं, कैसे यहाँ बेस के बीच पेयरिंग हो रहा है, उसके बाद विड्थ क्या है, ये सब कुछ जो है क्लियरली जो है यहाँ से पता चलेगा यदि नोट्स को देखोगे तो, सारा कुछ इसमें जो है लिखा हुआ है। तो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हुआ समझ गए इसको, कि दो स्ट्रांड है डबल स्ट्रांडेड, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसका डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर, दोनों हेलिक्स के बीच का जो डायमीटर हुआ 2 नैनोमीटर हुआ। उसके बाद जब ये अरेंज होते हैं तो दो प्रकार का ग्रुप्स बनता है, मेजर ग्रुप्स, माइनर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स का विड्थ होता है 1.2 नैनोमीटर, माइनर का 0.6 नैनोमीटर। उसके बाद कि इस स्ट्रांड में जो तीन चीज़ है शुगर फॉस्फेट और बेस, तो शुगर और फॉस्फेट बाहर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ज़्यादा पोलर है, और जो बेस है वह लेस पोलर होता है और वो अंदर की तरफ होता है हेलिक्स के अंदर की ओर। इसमें से हमेशा एक प्यूराइन बेस पिरिमिडिन बेस से पेयर करता है ऑलवेज, क्यों ये सब एक्सप्लेन किया जा चुका है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है थाइमिन, गुआनिन का है साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन के बीच ऐसा तीन बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन के बीच ऐसा दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
तो यही जो है पूरा डीएनए के बारे में जो है हम लोग लिखे और कंसिडर किए इसके स्ट्रक्चर को। आगे आप नोट्स में देखोगे कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं डीएनए के लिए, कई स्ट्रक्चर्स है कलर में हैं देखोगे। जैसे यह स्ट्रक्चर डीएनए का है, इसमें सारे बेस को दिखाया गया है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो भी दिखाया गया है, डबल हेलिक्स भी है। तो ये सब जो है पता चलेगा जब आप नोट्स को अच्छे से कंसिडर करोगे तब। अब डीएनए के जैसा ही यदि हम लोग बात करें आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो आरएनए और डीएनए में अंतर जो है वह है एक तो बेस का, कि बेस डीएनए में जो है और आरएनए में थोड़ा डिफरेंट है। चार बेस में से तीन तो सेम है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीन बेसिस डीएनए में भी हैं और ये तीन बेसिस आरएनए में भी हैं। अंतर है कि डीएनए में थायमिन है और आरएनए में यूरासिल है, बस इतना सा जो है अंतर है। तो आरएनए के स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें आरएनए का, तो इसका स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए के जैसा ही है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें एक ही स्ट्रैंड जो है बनता है, एक स्ट्रैंड बनेगा वो भी राइट हेलिकल होता है, ऐसा एक ही स्ट्रैंड बनेगा, इसमें सिंगल स्ट्रैंड बनेगा और इसी में जो है सारे बेस होते हैं जो अरेंज रहते हैं। तो इसमें जो बेस हैं कौन कौन से बेस हुए, तो गुआनिन है, साइटोसिन है, उसके बाद एडेनिन है और यूरासिल है, ये चार बेस जो है इसमें होते हैं। तो इसमें चूंकि दो स्ट्रैंड बन नहीं रहा है तो इसमें से ये दो बेस जो है एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रूप में जो है जुड़े तो नहीं रहेंगे, क्योंकि डबल स्ट्रैंड बनता तो उसमें वे जुड़े रहते, इसमें बस बेस वहाँ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखोगे तो पूरा डीएनए आरएनए का एक साथ कंपेयर करके है। नोट्स में देखोगे तो पता चलेगा कि यह जैसे डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये आरएनए है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, बेसिस कौन कौन से हैं दोनों में वह दिखलाया गया है। तो नोट्स के माध्यम से जो है इसको समझना आसान हो जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको समझ सकते हो। अब यदि हम लोग कंपैरिजन करें डीएनए आरएनए की, तो कंपैरिजन के पहले कुछ टर्म्स यदि और हम लोग कंसीडर कर लें तो फिर आसान हो जाएगा कंपेयर करना। तो अब इसमें से हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए का फंक्शन, तो कई फंक्शंस हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में फिर दो पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन, और फिर इसी में आता है म्यूटेशन। ये तीन चीज़ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। तीनों टर्म को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, रेप्लिकेशन समझेंगे, ट्रांसक्रिप्शन समझेंगे, ट्रांसलेशन समझेंगे और म्यूटेशन समझेंगे, उसके बाद डीएनए आरएनए में अंतर। तो देखो रेप्लिकेशन का सिंपली मतलब हुआ डुप्लीकेटिंग इट्सेल्फ। तो डीएनए का एक बड़ा ही यूनिक प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन का, कि डीएनए जो है खुद के जैसे ही और डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद का डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो डुप्लीकेटिंग इट्सेल्फ अपने के जैसा ही और प्रोड्यूस करना रेप्लिकेशन कहलाता है, कि द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इट्सेल्फ इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। और यह रेप्लिकेशन होता कैसे है, तो जैसे अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे
डीएनए का कुछ इस प्रकार से ऐसा। तो मान लो यहाँ तक अभी हम रखते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि किसी भी कारणवश, चाहे एंजाइम के चलते हो या फिर हाइड्रोलाइसिस के चलते हो या पीएच के चलते हो, किसी भी कारणवश यह जो स्ट्रैंड है वह खुलता है। खुलने के बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाते हैं मतलब ये जो बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है बेस के बीच का। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा तो यह दोनों स्ट्रैंड हो जाएगा अलग। अब जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाता है ना, तो यहाँ से फिर जो है ये दो अलग स्ट्रैंड बनाने लगते हैं। ऐसा यहाँ से फिर जो है ये दो अलग स्ट्रैंड बनाने लगेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही यहाँ एक सिंगल स्ट्रैंड था, ये भी सिंगल था। अब यहाँ जाने के बाद फिर ही दो स्ट्रैंड में बट गया, फिर ही जाने के बाद ही दो स्ट्रैंड में बट गया। आगे फिर वैसे ही हो जाएगा, आगे फिर जाएगा तो फिर जो है दो स्ट्रैंड में ऐसे बट जाएगा, फिर आगे गया तो फिर आगे दो स्ट्रैंड में ऐसे बट जाता है इस तरह से। तो ये जो खुद का डुप्लीकेट प्रोड्यूस करना है, इसी को हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जो है जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग सिस्टम का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वह उसके डीएनए में होता है। तो डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जनरली वह डिपेंड करता है बेस के सीक्वेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? बेस के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अब उसमें से ये जो चार बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमाइन, यही चारों के सीक्वेंस पे कि ये बेस किस प्रकार से अरेंज है, तो यही बेस के सीक्वेंस पे जो है डिपेंड करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जब ये डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, मतलब इनका रेप्लिकेशन होता है, तो यह बेस का सीक्वेंस जो है कंजर्व रहता है, वह सीक्वेंस जो है बिगड़ता नहीं है, इसलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर रहता है उसी में। जैसे एडेनिन थाइमिन पहले से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, रेप्लिकेशन के बाद भी वैसे ही होंगे, बस एक स्ट्रैंड से वह दो स्ट्रैंड में बढ़ जाते हैं, फिर आगे वही स्ट्रैंड अलग होते जाएगा और एक सिंगल स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड में बदलते जाएगा, खुद का डुप्लीकेट प्रोड्यूस करते जाएगा, और यही प्रॉपर्टी जो है कहलाता है रेप्लिकेशन। अगला इसमें है प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और यह ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो बोल रहा है कि इसमें से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में। आरएनए तीन प्रकार का होता है, तो इसमें से मैसेंजर आरएनए में जो है कन्वर्ट होता है यह डीएनए। तो इस दरमियान होता क्या है कि डीएनए का जो बेस है वह आरएनए बेस से कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जुड़ता है, ये आरएनए है। तो जैसे डीएनए का एडेनिन है या यूरासिल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का काम करता है, इसमें गुआनिन है तो या साइटोसिन के साथ, फिर इसका साइटोसिन है तो गुआनिन के साथ, इसका थाइमिन है तो ये एडेनिन के साथ। मतलब कि यदि डीएनए में बेस का सीक्वेंस यदि ऐसा है ए ए टी सी ए जी टी टी, मतलब एडेनिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन एडेनिन गुआनिन थाइमिन थाइमिन, ये मान लो डीएनए का बेस सीक्वेंस है। तो यही बेस सीक्वेंस जब आरएनए में जाएगा, तो देखो यहाँ एडेनिन है तो यहाँ यूरासिल हो जाएगा, ये भी एडेनिन है तो यहाँ यूरासिल, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन, फिर साइटोसिन है तो गुआनिन, फिर एडेनिन है तो यूरासिल, गुआनिन है साइटोसिन, थाइमिन है तो एडेनिन। अच्छा, यह सीक्वेंस बन जाएगा किस में? आरएनए में। तो डीएनए का मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना, और यही मैसेंजर आरएनए आगे जा कर के प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, तो इसी प्रोसेस को जो है हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बोल रहा है कि यह जो मैसेंजर आरएनए है, मतलब डीएनए जो आरएनए में बदला, यह मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि जो सेल का न्यूक्लियस है जिसमें कि ये सभी होते हैं, उस न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल करके जो है
साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ जा कर के यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। वहाँ जाने के बाद ही क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। तो रेप्लिकेशन हम लोग देख लिए थे ना, खुद का डुप्लीकेट प्रोड्यूस करना। ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखें कि डीएनए बदलता है इसमें मैसेंजर आरएनए में, जिसमें डीएनए का बेस पेयर आरएनए के बेस से कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से कन्वर्ट होता है। मतलब डीएनए में यदि वह बेस एडेनिन है तो वहाँ आरएनए में यूरासिल हो जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत। और गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो वहाँ जाके गुआनिन, और यहाँ थाइमिन है तो वहाँ जा करके बन जाएगा क्या, एडेनिन बन जाएगा। ऐसा बेस सिक्वेंस जो है चेंज हो जाता है जा करके वहाँ, और यह जो डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर यही मैसेंजर आरएनए सेल का न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाता है और वहाँ जा करके यह प्रोटीन सिंथेसिस में जो है फिर भाग लेता है। और लास्ट में है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन में क्या होता है कि मैसेंजर, देखो ट्रांसक्रिप्शन में हुआ कि डीएनए बदला था मैसेंजर आरएनए में, अब यही मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए, कैसे इन्वॉल्व होगा, तो इसका जो बेस है वही बेस उसमें जाएगा अल्फा अमीनो एसिड के साथ और वहाँ जा करके वह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। तो उस एमआरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। तो ये पूरा को यदि एक साथ दिखाओगे तो कुछ ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, पूरा को एक साथ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे कि यहाँ डीएनए है, ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, ये रेप्लिकेशन दिखा रहा है, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में डीएनए खुद डीएनए प्रोड्यूस करेगा, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो यह बदल गया मैसेंजर आरएनए में, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन, तो यहाँ से फिर बन जाएगा क्या, प्रोटीन्स, ऐसा। तो यह सीक्वेंस होता है और इस सीक्वेंस के आधार पे जो है फंक्शन होता है इसका डीएनए आरएनए का प्रोटीन में बदलने का। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। एक टर्म है कॉडन, क्या होता है कॉडन, बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन मैसेंजर आरएनए आर रीड इन ए सीरियल ऑर्डर इन ग्रुप्स ऑफ थ्री एट ए टाइम, ईच ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज कॉडन। क्या बोल रहा है, जब डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में तो उसमें से जो बेस होते हैं एक सीक्वेंस में होंगे, चाहे वे डीएनए हो या आरएनए हो, तो उसमें से तीन तीन बेस को एक साथ पढ़ा जाता है, नहीं उसमें से बोल रहा है कि जो टोटल चार बेस होते हैं उसमें से तीन तीन का ग्रुपिंग में उसको पढ़ा जाता है और वह एक सीरियल ऑर्डर में होता है कि ये तीनों बेस यहाँ हुआ फिर तीनों बेस ऐसे करके रहेगा। तो यह जो ट्रिपलेट बनता है तीन बेस का, तो ये तीनों बेस ही नहीं ना रहेगा, ये न्यूक्लियोटाइड का बेस हुआ, मतलब ये तीन न्यूक्लियोटाइड हुए, तो यही जो तीन न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट बनता है इसी को बोला जाता है क्या, कॉडोन। कि डीएनए जब कन्वर्ट हुआ मैसेंजर आरएनए में तो आरएनए में जितने भी बेस हैं टोटल चार,
तो वे तीन तीन का ट्रिपलेट के रूप में जो है पढ़े जाते हैं। ऑब्वियसली वह बेस नहीं बल्कि वह न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलें कि न्यूक्लियोटाइड का तीन हुआ, तीन न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप जिसको ट्रिपलेट बोलेंगे, और वही ट्रिपलेट कहलाता है कॉडोन। तो क्या इसका मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉडोन का, उसको भी हम लोग देखें। तो बोल रहा है कि ईच कॉडोन स्पेसिफाइज वन अमीनो एसिड, एक कॉडोन में जो तीन बेस हुए या तीन न्यूक्लियोटाइड हुए उससे मिलकर के एक अमीनो एसिड जो है बनेगा, एक अमीनो एसिड का स्पेसिफिकेशन होगा। अब चूंकि टोटल चार बेसेस हैं, सिंस नंबर ऑफ बेसेस बराबर टोटल है कितना, फोर, देयरफोर टोटल नंबर ऑफ जो कॉडोन्स बनेंगे वे बनेंगे 4^3। मतलब ऐसे समझो ना कि ये टोटल चार बेस हुए, अब इस चार बेस को तुमको तीन तीन का पेयर में अरेंज करना है। तो कई तरीके हो सकते हैं तीन तीन पेयर में अरेंज करने का, शुरू में ही तीनों लिए, फिर ही तीनों लिए, फिर ही दोनों ही लिए, ऐसे करके। तो इस तरह का टोटल जो ट्रिपलेट बन सकता है, फॉर्मूला हो गया इसका कि टोटल बेस और जितना में उसको अरेंज किया हो, तो तीन तीन करके कर रहे हैं तो पावर तीन में चला जाएगा, तो 4 × 4 × 4 मतलब 64। तो टोटल 64 कॉडोन्स या ट्रिपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अभी बोल रहा है कि जो टोटल 64 कॉडोन्स हैं इसमें से 61 जो है अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, और बाकी जो तीन बच गए वे चेन टर्मिनेशन करते हैं, चेन टर्मिनेशन करते हैं। मतलब कि जैसे ये डीएनए था, ये बदला आरएनए में, ठीक, अब आरएनए ही टूट करके जो है बना रहा है क्या, प्रोटीन। तो इसमें से आरएनए में जो बहुत सारे बेस या न्यूक्लियोटाइड हैं तो उसको ऐसे कॉडोन के रूप में हम लोग समझते हैं। अभी कॉडोन टोटल हुआ 64, तो 64 में 61 बदल गया प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड में, तो बाकी जो तीन बनता है ना फिर इसी चेन को यहाँ ब्लॉक करता है, मतलब आगे फिर इसको टूटने नहीं देता है, ऐसे यही काम हुआ इसमें। अब बोल रहा है कि इसमें से जो डीएनए सीक्वेंस है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोडिंग करेगा वही कहलाता है जीन। जीन माने वही हो गया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब डीएनए में जो बेस का सीक्वेंस है, यही चीज़ जानेंगे हम लोग, तो वही जीन कहलाता है। तो इसी को यदि हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं इसको, अब इसी के लिए बोल रहा है कि जो प्रत्येक प्रोटीन होता है सेल में उसका अपना अलग अलग जीन है, और न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट जो कॉडोन है और जो अल्फा अमीनो एसिड है उसी के बीच का जो रिलेशनशिप है वही कहलाता है जेनेटिक कोड। अब इसको देखो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाते हैं। तो ये मान लो सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट्स इन डीएनए, उसी प्रकार से सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट इन आरएनए लेकर के चलेंगे। तो मान लो यहाँ इस तरह का तीन तीन बेस है, साइटोसिन थाइमिन गुआनिन, फिर गुआनिन थाइमिन गुआनिन, फिर थाइमिन गुआनिन एडेनिन, फिर एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन, और फिर साइटोसिन थाइमिन थाइमिन, ऐसे करके तीन तीन बेस का ट्रिपलेट है। तो यही सब यहाँ कहलाता है कॉडोन, ठीक है, कॉडोन कहलाता है। तो इसी का जब अब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ई बदल जाएगा आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, तो यहाँ बेस का सीक्वेंस हो जाएगा, साइटोसिन गुआनिन में बदलता था, थाइमिन एडेनिन में बदलता था, फिर इस साइटोसिन में, फिर इस साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, फिर बदला एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और एडेनिन यूरासिल, ऐसे फिर ऐसे ही साइटोसिन बदलता था किसमें, गुआनिन में, थाइमिन एडेनिन में, तो इस प्रकार से। और फिर अब इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन, तो यहाँ से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन में यही सब बेस सब बन जाएंगे अमीनो एसिड। तो मान लो ये अमीनो एसिड A1 हुआ, ये अमीनो एसिड A2 हुआ, इसमें बदल रहा है, इसमें बदल रहा है, ऐसे करके। फिर ये अमीनो एसिड E3 हुआ, ये अमीनो एसिड A4 हुआ, ये अमीनो एसिड 5 हुआ। अच्छा, तो जितने यहाँ कॉडोन या ट्रिपलेट हैं वे एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ए माने अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फिफ्थ अमीनो एसिड, और यही अमीनो एसिड जो है फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेंगे। समझ गए? इसी के बाद एक टर्म इसमें और हो गया, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन है वैसा कोई भी प्रोसेस जिसके दरमियान डीएनए में जो बेस का सीक्वेंस है वह अल्टर हो जाए, चेंज कर जाए, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन मतलब अल्टरिंग द बेस सीक्वेंस, अल्टरिंग द बेस सीक्वेंस इन डीएनए। कि डीएनए में जो बेस का सीक्वेंस होता है उस बेस सीक्वेंस को यदि अल्टर कर दें तो इससे जो प्रोटीन बनेगा इस प्रोटीन में भी अल्टर्ड सीक्वेंस ऑफ बेस, अल्टर्ड सीक्वेंस होगा। तो प्रोटीन में अल्टर्ड सीक्वेंस बेस का नहीं बल्कि आम अल्फा अमीनो एसिड का होगा, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड जो बन रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वह अल्फा अमीनो एसिड बन रहा है किससे, तो डीएनए आरएनए में जो बेस है उससे। तो यदि बेस का सीक्वेंस यहाँ अल्टर हो गया है मतलब चेंज कर गया है तो अल्फा अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसमें अल्टर कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, और यही प्रोसेस कहलाता है म्यूटेशन। अब हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल है कि यह म्यूटेशन होगा कैसे, डीएनए में बेस सीक्वेंस चेंज कैसे करता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, एक्टिव रेडिएशन वगैरह पड़ने से हो सकता है, केमिकल्स वायरस के चलते हो सकता है। जैसे एक जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, इस नॉर्मल हेमोग्लोबिन में जो सीरियल है बेस का माने अल्फा अमीनो एसिड का वह होता है वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसाइन, टायरोसिन, उसके बाद प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। यह एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन का अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। लेकिन यही जब सिकल सेल हेमोग्लोबिन हो, मतलब म्यूटेशन के बाद वाला हेमोग्लोबिन, तो इसमें बेस सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, मतलब अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस टी बस पी यहाँ भी और ई, मतलब यहाँ देखो चेंज हुआ है, इधर तो पूरा सेम ही था, यहाँ जो ग्लूटामिक एसिड था ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ क्या आ गया, वेलाइन आ गया। तो यह चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डीएनए में बेस का सीक्वेंस चेंज हुआ होगा, और डीएनए में बेस का सीक्वेंस चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं, वायरस उसमें जा सकता है, केमिकल्स कुछ हो सकता है, या कोई एक्टिव रेडिएशंस वगैरह पड़ने से हो सकता है, तो कई कारण जो है इसके हो सकते हैं। नोट्स में है, एक बार पढ़ोगे लाइन बाय लाइन पता चलेगा। अब लास्ट डीएनए और आरएनए को हम लोग कंपेयर कर लें, डीएनए और आरएनए को कंपेयर कर लें। तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम लोग। लार्ज मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल, ये इसके तुलना में स्मॉल है, स्मॉल मॉलिक्यूल। मोलर मास 6 से 16 मिलियन होता है, जबकि इसका 20,000 से 40,000 तक ही होता है। शुगर इसमें है डीऑक्सीराइबोज और इसमें है राइबोज। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल, इसमें सिंगल स्ट्रैंड बनता है। इसमें रेप्लिकेशन होता है, इसमें नहीं होता है। बेस के रूप में इसमें थाइमिन है 3 के अलावे, और इसमें थाइमिन के जगह यूरासिल है। यह जो है ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है,
जेनेटिक मटेरियल, जबकि आरएनए सबका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बोला या जो कुछ कुछ रेट्रोवायरस वगैरह है, जैसे अभी हम लोग कोरोना वगैरह के बारे में ही पढ़े, या जो एचआईवी वगैरह होता है तो उसका पार्ट होता है। तो ऐसे कई डिफरेंस हैं, तो इस डिफरेंस के साथ ही जो है या न्यूक्लिक एसिड पोर्शन हम लोग का समाप्त होता है। इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, ध्यान से इसको पढ़ोगे तो समझ में जो है आएगा। तो न्यूक्लिक एसिड समाप्त होने के साथ या जो यूनिट था बायोमोलिक्यूल्स, ये भी यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।